हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जितेंद्र चौरसिया, जबलपुर का रहने वाला हूँ। आप सबका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं होम हाइजीन की। आज के वातावरण में हम समझ चुके हैं कि घर को हाइजीन अर्थात सैनिटाइज रखना कितना ज्यादा जरूरी है, और हम जिन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वाकई वो हमारे घर की सफाई करने में उतने उपयुक्त हैं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा आज एक खास प्रकार के फ्लोर क्लीनर की, जो आपको इंश्योर करेगा कि आप जिस फ्लोर को क्लीन कर रहे हैं वो वास्तव में बैक्टीरिया जर्म्स फ्री हो जाएं। तो मार्केट में एक ऐसा ही प्रोडक्ट यूज होता है जिसको हम लाइजोल के नाम से जानते हैं। इसमें लिखा हुआ है 99.9% बैक्टीरिया और जर्म्स को क्लीन कर देता है। तो हम आज देखेंगे कि ये वास्तव में ये जो दावा कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम जब इसको खरीद के लाते हैं तो इसमें हम पैसे भी खर्च करते हैं और हमारी ये उम्मीद है कि ये हमारे घर को साफ सुथरा रखेगा। तो लेट्स चेक कि ये काम करता है या नहीं। उसके कंपैरिजन में मेरे पास एक दूसरा प्रोडक्ट है जो वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाती है। ये एक इंडियन बेस्ड कंपनी है जो पिछले 15 सालों से हमें होम हाइजीन के प्रोडक्ट डायरेक्ट होम डिलीवर करती है। इसका कोई टीवी एड नहीं है। तो हम देखेंगे ये दोनों प्रोडक्ट्स कैसे हमारे घर के काम आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने 2 ग्लास में पानी लिया हुआ है, ये सिंपल प्लेन वाटर है। और मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इन दोनों वाटर में बैक्टीरिया मिलाऊंगा, और मेरे पास है ये नील। जैसा कि आप जानते हैं, जो नील है ये कलर करने के काम आता है सफेद कपड़ों में, लेकिन ये इसका जो वास्तव में इस्तेमाल वो ये है कि ये एक प्रकार का बैक्टीरिया कहलाता है। जो लोग पुराने समय में जिन्होंने पढ़ाई की होगी वो जानते हैं कि नील इतना खतरनाक होता था कि इसे जिस खेत में इसकी खेती कर दी जाए वो खेत बंजर हो जाते थे। तो ये वास्तव में एक प्रकार का जिंदा बैक्टीरिया होता है। तो मैंने दोनों ही पानी को गंदा किया है, अर्थात इसमें बैक्टीरिया डाल दिया है। और हम देखते हैं कि जब नील जैसा खतरनाक बैक्टीरिया यदि कोई क्लीन कर देगा, अर्थात हमारा फ्लोर भी उतना ही सुरक्षित हो जाएगा। ये दोनों पानी में समझ लीजिए, अब आज के समय का बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया है जो मैंने मिलाया हुआ है। और अब देखते हैं कि लाइजोल इसमें क्या हेल्प करता है। कहते हैं एक बाल्टी पानी में हमें लगभग 1 से 2 ढक्कन लाइजोल हमको मिलाना होता है। तो मैंने इसका ही एक ढक्कन ये लिया हुआ है, ये लेमन कलर का है, और ये मैंने इसमें एक ढक्कन मिला दिया। दोस्तों, क्या कोई आपको फर्क इसमें दिखाई दे रहा है कि जो बैक्टीरिया क्लीन करने के लिए हमने इसमें मिलाया हुआ है, इसके कलर में किसी प्रकार के कोई चेंजेस आपको दिख रहे हैं क्या? ये इसमें हमने लाइजोल डाला हुआ है, ये यहीं रखा हुआ है। अभी तक तो मुझे इसमें बैक्टीरिया में किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, अर्थात ये जो कलर है नील का वो एज इट इज है, मतलब अभी तक कोई बैक्टीरिया इसमें से क्लीन नहीं हुआ। वही हम दूसरी ग्लास में जो हमने बैक्टीरिया मिलाया था उसमें हम वेस्टीज का ये अल्ट्रा स्वैब यूज करने वाले हैं, जो कि फ्लोर क्लीनर है, और एक बाल्टी पानी में महज 5 ml मिलाना होता है। ये बहुत ही रीजनेबल लगता है, बहुत ही कम लगता है। इसका जो ओरिजिनल कलर है वो पिंक होता है, और मैं इसमें वह भी एक ढक्कन मिला रहा हूं। उतना ही मिलाया जितना मैंने लाइजोल मिलाया था, और अब आप फर्क देख सकते हैं। मैंने सिर्फ मिलाया है, इसमें किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं किए, इवन मैंने इसमें घुलने का काम भी नहीं किया। फर्क जैसा कि आपको साफ दिख रहा है, इसका सिंपल सा कारण यह है दोस्तों, ये एक एक्वा बेस्ड क्लीनर है जो कि पानी के मिश्रण से ही बनाया गया है। यदि हम इसका इस्तेमाल अपने फ्लोर पे करते हैं, ये जर्म्स बैक्टीरिया को तो क्लीन करता ही करता है, ये हमारी स्किन फ्रेंडली भी होता है। यानी हम हमारे बच्चों की स्किन में अगर ये टच में आएगा तो भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब आपके सामने है ये दोनों, फैसला आपको लेना है कि आप अपने पैसे का कैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं। पैसे को आप फेंकना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट बेस्ड प्रोडक्ट पे, या उसका सही इस्तेमाल करके अपने घर को बैक्टीरिया और वायरस से बचाना चाहते हैं। चलिए थोड़ा सा लाइजोल की हेल्प कर देते हैं। ये दोस्तों कलर किल नहीं करता, ये सिर्फ बैक्टीरिया किल करता है, और मैंने इसी लाइजोल के उसमें मिक्स किया है। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। ये जो लेमन सा कलर दिख रहा है ये वास्तव में लाइजोल का कलर है, और ये जो पिंक कलर दिख रहा है आपको पानी में ये हमारे अल्ट्रा स्वैप का कलर है। फर्क आपके सामने है, डिसीजन आपका है। यदि हम कॉस्ट की बात करें तो ये 1 से 1.5 रुपए पर बाल्टी कॉस्ट आता है, यानी अगर आप एक दिन में पोछा लगाते हो तो आपके घर में ज्यादा से ज्यादा 1.5 रुपए का खर्च होना है। लेकिन इससे ज्यादा आप इस बात के लिए इंश्योर हो जाएंगे कि अब कोई बैक्टीरिया और कोई भी जर्म्स आपके घर पे अटैक नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और इसको इस्तेमाल करने के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे। विश यू वेल्थ, हैव ए नाइस डे।